में खबर आ रही है, इन्होंने खंडन किया 26 तारीख को जो सोशल मीडिया में आपका पत्र गया। और जब वह पत्र गई, पत्र जाने के बाद 27 को आंदोलन था, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं नहीं आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक संघ बिहार के 38 जिलाओं में शामिल होना छोड़ दीजिए, 27 के कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। अध्यक्ष जी, आप सभी जिला के अध्यक्ष नहीं है, आपके जो जिला नेतृत्व करता है मैं उनकी बात बता रहा हूं। लेकिन स्थिति बिहार के शिक्षकों में आक्रोश था, आंदोलन भी सफल हुआ और सोशल मीडिया में फिर 30 तारीख की बैठक की तिथि तय होती है, जिसमें प्रस्तावित जो कार्यक्रम सोशल मीडिया में 24 के रात में आए थे उन पर विचार करने की स्थिति, और उस बैठक के बारे में सूचना मुझे नहीं मिली, हमारे संगठन के महासचिव को मिला और इन्होंने दूरभाष पर मुझे बताया। हमने कहा कि बैठक है, सूचना मिली है, जाना है। हमारे महासचिव आए और 30 तारीख को, आप 29 तारीख को माध्यमिक शिक्षक संघ से बात करने जाते हैं, 30 की बैठक सुनिश्चित करके, आंदोलन सुनिश्चित करके, तो मैं आप अनुभवी, इतने बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, अगर उस पोजीशन पर माध्यमिक शिक्षक संघ के आप अध्यक्ष होते, महासचिव होते, और आपसे पहले तय था कि 28 के बाद हम आपसे बात करेंगे, और आपने सब लोगों को बताया, उनसे बात होने के बाद बैठक तय होगी, तो आप बैठक तय करके अगर आपके पास आता कोई संगठन अध्यक्ष जी हम तय कर दिए हैं हम तारीख को बैठक आइए, तो ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष जी, मैं भी माध्यमिक शिक्षक संघ से इस मसले पर बात किया था, और वहां जब आप 29 तारीख को आपके महासचिव गए थे और हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के लोग गए थे, तो ऐसी परिस्थिति में वहां रिक्रूट होना उनकी नहीं, उनका नियत नहीं है, हमने रिक्रूट कराने के लिए वहां गया था, इस पर नो ऑब्जेक्शन नहीं लिखना है, यानी इसको काट देना है, इसके लिए प्रमाण पत्र ले गए थे तैयार करके, इस तरह प्रमाण पत्र वहां हालांकि इसलिए सहमति नहीं बनी। उसके बाद जो स्थिति यहां 30 की बैठक में हुई, हमारे संगठन के प्रतिनिधि आए, यहां कुछ नहीं, जो आपके सोशल मीडिया में 24 को 3:17:05 चली थी उस पर मुहर लगाना यहां मुनासिब था, मुहर भी लगी। लेकिन अब हम इसके गंभीरता में जाना चाहते हैं, मैंने खुल के कहीं विरोध नहीं किया, लेकिन मैं चुप्पी जरूर साधे रहा, मैं यह भी कहना चाहता हूं, और बिहार में शिक्षक आंदोलन किया हो 534 प्रखंड है, सिर्फ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सिर्फ एग्रेसिव होकर काम नहीं किया, बस हमारा दोष इतना ही है। लेकिन मैं भी आपको पाप से पूछना चाहता हूं कि आप कार्ती जिला से संगठन है, 534 का आपने अवलोकन किया, और बिहार का जो 32 संगठन यहां बुलाए हुए हैं उनसे आपने जाना कि 534 प्रखंडों में सिर्फ प्रदीप और पप्पू ने गड़बड़ा गया, अब तू 31 को तो था, कितना प्रखंड में आंदोलन हुआ अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया पर लगाए हुए हैं, बोल देंगे यह भी आंदोलन में घाटा का सौदा होता, लेकिन 50% प्रखंड में मात्र आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मेरे वजह से विफल हो गया, जो कंट्राडिक्शन स्थिति समन्वय समिति के आर्मी आंदोलन को किया जा रहा है उसका वह प्रभाव था कि बिहार के 534 प्रखंड के
हमसे भी पूछे थे, आंदोलन की समीक्षा किए थे, लेकिन मुझे लगा कि शिक्षक आंदोलन के साथ, मुझे लगा जब मैं समीक्षा किया और जो स्थिति बिहार से छन के आए, मुझे लगा कि बिहार के शिक्षक आंदोलन के साथ एक बहुत धोखा हो रहा है और एक अन्याय हो रहा है। मुझे लगा कि हमारी चुप्पी कहीं ना कहीं और जो हालात और परिस्थिति इसमें चल रही है समन्वय समिति के बीच में, ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अच्छी हालात नहीं है शिक्षक आंदोलन के लिए और समन्वय समिति के लिए शुभ संकेत भी नहीं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आपका 17 का प्रस्तावित कार्यक्रम, मैं अब इसको भी खुल के बताना चाहता हूं, जो प्रस्तावित समन्वय समिति का जिस तरह हम वहां मौन धारण किए हुए थे 3 के कार्यक्रम में, प्रखंड वाले कार्यक्रम में, ठीक उसका विपरीत हमने जो 17 का कार्यक्रम था समन्वय समिति का सभी जिलाओं में पूरे तनमंत्र से बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने उस आंदोलन में अपनी भूमिका सुनिश्चित किया और बिहार में शिक्षक आंदोलन सफल रहा। अध्यक्ष जी, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी तरह का आपको आपका आरोप है, लेकिन हम जानना और इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि समन्वय समिति के आंदोलन की समीक्षा अनिवार्य है। अगर कोई गलती किसी कारण से हुआ है, उसका छोटी मोटी ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनका ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि शिक्षक समन्वय समिति को देख रहा है। इसलिए मैं शिक्षक आंदोलन की पीड़ा आपसे अवगत कराना चाहता हूं और उसके बाद जो स्थिति थी 5 तारीख के कार्यक्रम में, निश्चित तौर पर शिक्षक भी आंदोलन के प्रति एग्रेसिव था, इसमें कोई संदेह नहीं, और नेता भी उस आंदोलन को सफल करने के लिए सजग थे, क्योंकि गांधी मैदान का एक नाम, ये आनंद मिश्रा का छत्ता वाला कहानी सबको नशा ला दिया था। और ऐसी स्थिति में गांधी मैदान का एक हवस शिक्षकों में था और लग रहा था कि जो गांधी मैदान में शिक्षकों की जुटान होगी, बिहार नहीं भारत के शिक्षक कर्मचारी आंदोलन का ऐतिहासिक पल होगा, यह हालात और परिस्थिति दिख रहा था। और ऐसी परिस्थिति में गांधी मैदान की अनुमति नहीं मिली, सरकार ने पत्र निकाल दिया प्रधान सचिव ने, जो स्कूल में नहीं रहेंगे 5 सितंबर को, यानी जोर जबरदस्ती विद्यालय में रखने के लिए प्रधान सचिव अपर मुख्य सचिव ने पत्र निकाला। अब शिक्षकों में भय थी, क्योंकि एक तरफ गांधी मैदान की स्वीकृति पर संशय बन रहा था, दूसरे तरफ प्रधान अपर मुख्य सचिव का शिक्षा विभाग का पद आने के बाद। अध्यक्ष जी, मुझे लगा कि शिक्षकों में भय है, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपर मुख्य सचिव के पत्र निर्गत पत्र को शिक्षकों को जोश भरने हेतु, उनके भय भगाने हेतु, उनकी प्रति सभी जिला है कि उसका भी विरोध यहां के टेबुल से गया। अब पत्र जलाना नहीं, यानी प्रधान सचिव, इसका मतलब साफ है कि प्रधान अपर मुख्य सचिव जो पत्र जलाने का निकाला था वो सही है, इसका मतलब यही होता है। लेकिन ऐसी और हालात के बाद जब गांधी मैदान की स्वीकृति नहीं मिली, यहां पुनः बैठक आपातकालीन बुलाई गई, हमारे महासचिव भी आए, विभिन्न जगहों को मुकर देखा गया, विभिन्न जगह को देखने के बाद केंद्र बिंदु जगह बनाया गया संजय गांधी स्टेडियम को, उनकी प्रक्रियाओं को जो बुक कराने की दिया वो भी पूरी कराई गई। और जब 4 तारीख की जो
घटनाएं है। मैं वहां जब 7-8 शिक्षक नेताओं के साथ वहां पहुंचे थे तो वहीं स्टेडियम में ताला लगी हुई थी और वो टेंट वाले अपने ठेला पर कारपेट रखे हुए थे, इंतजार कर रहे थे। जाते उन्होंने कहा कि हम लोगों का सत्ता मर गया। तब तक में सीआईडी वाले इंस्पेक्टर आए और दरोगा जी आए। सीआईडी वाले इंस्पेक्टर कह दिया कि वही है नेता, हमको बुलाया। और उसी क्रम में केशव जी अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे, आगे पीछे दोनों आदमी लोग वहां गए। जब वहां हम पहुंचे तो हमसे कहा गया कि यार कार्यक्रम रद्द है, आपको जानकारी नहीं है। तो हमने साफ कहा मुझे जानकारी नहीं है। दोबारा जब फिर पूछा गया तो हमने कहा मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं है, अब प्रोग्राम रद्द है, कैंसिल है, कार्यक्रम नहीं होगी। तब उनको लगा कि भाई हम किन आदमी से बात हो, ये सीआईडी वाले तो बता दिए थे, वो आदमी तो नहीं पता रहते अगला पुलिस वाले लोग हमको। तो हमसे पूछा कि आपके अध्यक्षता में कार्यक्रम है, हमने कहा कि नहीं, ये ब्रजनंदन शर्मा जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम है। तो कौन है, कहां बैठते हैं? तो हम कहे कि प्राथमिक शिक्षक संघ के वो अध्यक्ष हैं और एग्जीक्यूशन रोड में भुवनेश्वर सदर कार्यालय। वहां से हम लोग निकले, प्रदीप राय जी मनोज बाबू को फोन किए, फोन पर जो बातें हुई उसके अनुरूप सारे लोग वहां गए। अनुरूप होने के बाद यहां तक स्थिति आई और यहां स्थिति के बाद आपने घोषणा जो कार्यक्रम का था उसको स्थगन किया और उस आंदोलन के घोषणा स्थगन के बाद हम लोगों से जब लोग पूछने लगा तो हम क्या कहते हैं आनंद कुशल की तरह कि नहीं होवे करेगा, नहीं आपको अगर नहीं संयोजक थे तब भी मान लिए हैं और चला रहे हैं और आपकी घोषणा हो गई तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, जो आप राग निकालिएगा उसी में हम तुम दुखी बनाने वाले हो गए, पूरा अंधा नियम है। इसलिए हमने कह दिया लोगों में जो लोग जानना चाहे वहां की हालात परिस्थिति से अवगत कराते हुए कि आंदोलन अनुमति नहीं है, जिस वजह से आंदोलन स्थगित कर दी गई है, हमने कोई बेईमानी नहीं किया। उसके बाद यहां फिर जो बातें हुई, मैं नहीं था, कोई था, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। 8:30 रात में जब फिर मैसेज आने लगा कि कार्यक्रम होगा, हालात और परिस्थिति क्या बनी, मैं हमको से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस हालात और परिस्थिति पर एक प्रश्न है कि जब सरकार के अनुमति के विरुद्ध ही आंदोलन होना है तो संजय गांधी स्टेडियम क्यों, ये गांधी मैदान मैदान क्यों नहीं, ये मेरा सवाल बनता है। ये डुप्लीकेट गांधी के चक्कर में क्यों जा रहे थे हम लोग और इधर गांधी मैदान जाने में क्या हरीश जी, जब सरकार के तानाशाही रवैया के विरुद्ध में शिक्षक में वाद था, शिक्षक आ ही रहा था, हमको एक एक हाथ करना ही था, सरकार से लड़ना ही था, गोली खानी ही थी, जेल जाना ही था, शहीद होना ही था और यहां दफन हो ही जा रहा था, तो फिर संजय गांधी स्टेडियम क्यों, गर्दनी मार क्यों, बिना अनुमति का आप गांधी मैदान का घोषणा करते तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रदीप पप्पू सबसे आगे कतार में गोली खाने के लिए तैयार रहता। इसलिए चालाकी और चालबाजी से काम नहीं चलेगा और जो स्थिति पैदा कर रहे हैं शिक्षक आंदोलन को भटकाने का जो भी लोग हैं वो नहीं चलेगा। हम जानते हैं तो विचारधारा के लोग यहां है, एक वो लोग जो स्कूल में फंसे हुए हैं,
मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने यहां से घोषणा किया था 18 तारीख के बारे में कि बिहार के स्कूल बंद करके यहां शिक्षक आएंगे, और आपके प्रधान सचिव बढ़िया उपाध्याय, प्रधान सचिव बढ़िया उपाध्याय सहरसा मुनमणि सिंह उस बैठक में थे नहीं, लेकिन जब जिला स्तर पर बैठक हो रही थी, हमारे जिला अध्यक्ष है वहां कहा कि हम लोगों को कोई नहीं कहा गया है स्कूल से स्कूल बंद करके आने के लिए, और आपसे दूरभाष पर बात किया सब लोगों के बीच में, और वह सब लोगों को सुना दिया कि नहीं हमारे संगठन का कोई घोषणा नहीं है 18 जुलाई वाला कार्यक्रम में कि स्कूल बंद करके आएंगे। भाई स्कूल बंद करके कौन आएंगे, ये मास्टर है ये नहीं है, ये मास्टर है ये नहीं है, प्रदीप राय मास्टर है ये नहीं है, आप मास्टर है ये नहीं है, तो बंद करके कौन आएगा, रो रहा था ये बंद करके आएगा कौन, वो आएगा वो, उसकी रोना के बारे में कभी आपने सोचा,